नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। मैं आपके साथ अजय सिंह। जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के संसदीय क्षेत्र में पहुंचे हैं जदयू एमएलसी संजय सिंह बाढ़ के बिहारी बिघा में। और वहीं बात करें तो उनका जोरदार स्वागत है वो बिहार बाढ़ के बिहारी बिघा में किया गया है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह से जदयू एमएलसी संजय सिंह को हाथों में तलवार देकर और चांदी के मुकुट देकर स्वागत किया गया। आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं और वहीं विजुअल के माध्यम से ये भी देख सकते हैं किस तरह से हजारों हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो जदयू एमएलसी संजय सिंह को सुनने पहुंचे हैं। आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि जो ग्राउंड है वो पूरी तरह से आपको भरा हुआ दिख रहा होगा। और वहीं बात करें तो जो आज ठंड का मौसम है ऐसे में भी जो लोग हैं वो सुनने पहुंचे हैं, वो लगातार बिहार के अलग अलग जिला में जाकर निमंत्रण दे रहे हैं। तो इसी कड़ी में वो आज जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के जो संसदीय क्षेत्र है बाढ़, वहां पहुंचे हैं और लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं, अपने समाज को लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं कि 28 तारीख को आप 28 जनवरी को पटना के मिलर ग्राउंड पहुंचे, जिस तरह से सूरवीर महाराणा प्रताप का जो पुण्यतिथि है वो मनाया जाएगा, इसी में आप लोग शामिल होने के लिए पहुंचे और वहाँ लोगों को निमंत्रण देने पहुंचे हैं। तो आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से किस तरह से जो बाढ़ के बिहारी बिघा में जो लोग हैं वो जदयू एमएलसी संजय सिंह को सुनने पहुंचे हैं और जिस तरह से कहें कि अपने समाज को एकजुट करने में कहीं ना कहीं वो लगे हुए हैं। जिस तरह से कहें कि 2024 का जो चुनाव लोकसभा चुनाव है इसी साल होना है, ऐसे में जदयू एमएलसी अपने समाज के बीच में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि 24 में भी अपना शक्ति है जो दिखाया जा रहा। और जिस तरह से राजनीतिक में कहा जाता है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो कहीं ना कहीं जदयू एमएलसी संजय सिंह अपने समाज के बीच में निकले हुए हैं तो अपनी जो ताकत है वो कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं और लोग सुनने के लिए भी उनके देखते हैं, उनको सुनने के लिए भी लोग हैं वो इतने ठंड में भी पहुंचे हुए हैं। आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह से और जिस तरह से वो अपने समाज के बीच में निकले हुए हैं और जिस तरह से वो महाराणा प्रताप फाउंडर जो बनाए हैं जदयू एमएलसी संजय सिंह वो जगह जगह जाकर लोगों को बता रहे हैं। और जिस तरह से कहें तो लगातार जो जदयू एमएलसी संजय सिंह है वो लगातार बिहार के अलग अलग जिला में जा रहे हैं। इससे पहले वो सहरसा के धबौली, बांका, औरंगाबाद, गया और कहें तो बक्सर, कई जिला में जाकर अपने समाज के लोगों को लोग निमंत्रण दे रहे हैं कि आप लोग 28 जनवरी को जो सूरवीर महाराणा प्रताप का जो पुण्यतिथि है वो मनाया जाएगा, उसमें भाग लेने के लिए आप लोग पहुंचे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जदयू एमएलसी लगातार बिहार के अलग अलग जिला में जा रहे हैं और जिस तरह से 24 का लोकसभा चुनाव है तो देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से वो अपने समाज के बीच में जाते हैं तो किस तरह से 28 जनवरी को जो जिस तरह से सूरवीर महाराणा प्रताप का जो पुण्यतिथि मनाया जाएगा उसमें कितने लोग पहुंचते हैं। लेकिन ये बाढ़ का नजारा देखिए कि किस तरह से उनका स्वागत किया गया। हम आपको तमाम उन विजुअलों के साथ छोड़ जाते हैं के पीछे पीछे कदम से कदम मिलाकर इसका आयोजन को सफल बनाने में लगे हुए हैं, पगड़ी पहना करके, शॉल उठा करके, और हम सभी जोरदार ताली बजाएं, इनका अभिनंदन करें, इनका स्वागत करें। महाराणा प्रताप जी की तस्वीर देकर के सम्मानित ताली हम सभी बजाएं। आगे थोड़ा सा, संजय जी का सम्मान मतलब स्वाभिमान का सम्मान, संजय जी का सम्मान मतलब संघर्ष का सम्मान, स्वाधीनता का सम्मान। और इसी कड़ी में उमा शंकर बाबू जो इस पंचायत के पूर्णों को जोड़ते हुए माल्यार्पण करके और तमाम लोग नीलमणि सिंह कुंदन जी, आदरणीय ओम प्रकाश सेतु बाबू, हमारे बड़े भाई श्री पूजन भैया, तमाम लोग शंभू जी के नेतृत्व में, शिवदयाल बाबू, नागा बाबू, मुखिया जी, सभी लोग माल्यार्पण करके